2011 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए नायक बने युवराज सिंह ने 2019 वर्ल्ड कप के लिए भविष्यवाणी की है। जी हां, युवराज सिंह ने 2019 वर्ल्ड कप को लेकर कहा है कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मनोज जोशी जी के साथ और जानेंगे कि आखिर क्या हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो मनोज सर, जैसे युवराज सिंह ने भविष्यवाणी करी है कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे इंग्लैंड की विकेटों पर, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं और आपने मैं तो अभी वनडे क्रिकेट के अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो वो ताबड़तोड़ उन्होंने पारियां खेली हैं और सही मायने में भारतीय टीम में अगर कोई सुपर डुपर मैं कहूँगा पावर हिटर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या हैं और हार्दिक पांड्या ने इसे प्रूव भी किया है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी तो वनडे क्रिकेट की जो सीरीज़ थी उसमें चेन्नई में एक मैच हुआ था और उसके बाद एक इंदौर में मैच हुआ था, दोनों के वो स्टार साबित हुए थे, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए थे और महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप की और भारत को मैच जितवाया। उसके बाद इंदौर में जो मैच हुआ था वहाँ तो वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे। तो इसका मतलब है जब कभी भारत की स्थिति ऐसी हो, जब ताबड़तोड़ रन बनाने की ज़रूरत हो और बहुत कम गेंदें बची हों और शुरू के टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा चला हो तो इनको आप बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनकी बैटिंग की, ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि आप इनको नंबर 8 से लेकर नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक कहीं भी भेज सकते हैं, ये हर जगह फिट होते हैं। जी, अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो इंग्लैंड के विकेटों से चित परिचित हैं क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और हालांकि टीम जीत नहीं पाई थी खिताब, लेकिन कहीं ना कहीं पांड्या की तारीफ करनी होगी। तो क्या कहते हैं कि इस बारी भी क्या वही फॉर्म देखने को मिलेगा पांड्या? ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है उनका, कई बार वो अकेले पड़ जाते हैं। जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का जिक्र किया, ऐसे ही मुझे याद आता है बिल्कुल ऐसा ही एक मैच था केपटाउन में, वहाँ भी इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत अच्छे रन बनाए थे लेकिन टीम को जिता नहीं पाए थे क्योंकि अब ये तो टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम तो है नहीं। लेकिन जिस तरह से ये खेलते हैं और जिस तरह से स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज लगाते हैं, उठा उठा कर शॉट्स खेलते हैं, अब तो हेलीकॉप्टर शॉट भी, हेलीकॉप्टर शॉट आप इनको यॉर्कर से भी मतलब डरा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर शॉट अब उनके पास आ गया है। और उसके बाद वो धोनी की शक्ल देखते हैं कि धोनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी और उनको बताते हैं कि मैं इस तरह के शॉट लगाने लगा हूँ, स्ट्रेट ड्राइव। और इसके अलावा एडम जंपा पर जिस तरह से इन्होंने 3 छक्के लगाए लगातार बैक टू बैक, वो काबिले तारीफ था। शादाब खान पर जो मैच के आप बात कर रहे हैं, शादाब खान पर 3 छक्के लगा चुके हैं एक मौके पर। तो इस तरह से उनकी जो बैटिंग है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं, लगातार उम्दा प्रदर्शन करने की उनमें कुव्वत है, हर क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत बड़े पावर हिटर हैं। इतना बड़ा पावर हिटर इस समय भारतीय टीम में कोई दूसरा नहीं है और उपयोगी गेंदबाज भी हैं मैं कहूँगा, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ऊंचा रेट नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से क्योंकि वो आमतौर पर बॉल को रिलीज़ करने के बाद गेंद को पटकते हैं जी, और इस तरह की कंडीशन जो है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अफ्रीका में है, वहाँ आप इस तरह की गेंदबाजी से काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर आप छका सकते हैं बल्लेबाज को, क्योंकि वहाँ स्विंग आप तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होगी गर्मी की वजह से, गर्मी भी है और क्योंकि वहाँ का वातावरण जो है थोड़ा सा बदल गया है जी, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहने लगी है, काफ़ी सूखी विकेट होंगी, वहाँ स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। लेकिन इनकी जो रिलीज़ करने के बाद जो गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ आती हैं और उसको उछाल लाने की ये कोशिश करते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर अ चेंज बल्लेबाज जो है परिवर्तन के तौर पर आपको अपना विकेट गंवा देता है, दे देता है। तो मैं कहूँगा यूटिलिटी बॉलर है लेकिन अद्भुत बल्लेबाज है, नो डाउट ऐसे बल्लेबाज की टीम को ज़रूरत है और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस बार वर्ल्ड कप में। जी, अगर पांडे की बात करें तो एज अ बॉलर अगर बात की जाए तो क्या वो विराट कोहली इन पे वर्ल्ड कप्स में इनसे बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि एक दूसरा ऑलराउंडर भी हैं विजय शंकर, तो दोनों ही प्लेयर एक टीम में हो सकते हैं, तो क्या लगता है? और वो भी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। नहीं, मैंने इनकी आलोचना ज़रूर की है उनकी गेंदबाजी की, लेकिन ऐसा मैं कतई नहीं कहूँगा कि वो कोई गेंदबाजी में उनकी विजय शंकर से कोई तुलना की जाए। विजय शंकर पर तो ये कहिए कि दाव जो है क्योंकि भारत के पास ऑप्शंस कमी थी और हार्दिक पांड्या अक्सर जो है आप देखेंगे थोड़ी सी फिटनेस इशू उनके साथ आ जाता है, तो अगर हार्दिक पांड्या कहीं अनफिट हो जाए तो आपके पास एक विकल्प मौजूद है, विकल्प के तौर पर उनको टीम में शामिल किया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। टीम मैनेजमेंट को अब सोचना है, हो सकता है क्योंकि वो बल्लेबाज अच्छे हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, सूझबूझ है उनकी बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में आप ये देखिए कि वो हार्दिक पांड्या की तरह नियमित बॉलर नहीं है, उनके जो
अपनी टीम है जो उनकी राज्य की टीम है वो उनको रेगुलर बॉलिंग नहीं देती। आईपीएल में उनको रेगुलर बॉलिंग नहीं मिलती रही, मिलती है तो बहुत गिनती के ओवर मिलते हैं, एक या दो ओवर उनको या तीन ओवर कराए जाते हैं, इससे ज़्यादा आईपीएल में एक ओवर या दो ओवर से ज़्यादा उनको बॉलिंग नहीं मिलती। और कितने ही ऐसे मैच हैं जहाँ उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं है, तो इसलिए तुलना करना इन दोनों का ठीक नहीं होगा। हाँ, आपने युवराज का जिक्र किया, सबसे बड़ी बात है कि युवराज सिंह ने उनकी तारीफ की है, एक ऐसे ऑलराउंडर ने तारीफ की है जो 2011 के वर्ल्ड कप का हीरो था और जिसका औसत पूरे भारतीय क्रम में सबसे ऊपर था, 90 से ऊपर का उनका औसत था। और गेंदबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहीर खान के बाद सबसे ज़्यादा विकेट उन्हीं के नाम थे, उन्होंने 15 विकेट चटकाए थे। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि युवराज की तरह ही 2019 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो और टीम को तीसरी बारी वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अपना पूरा योगदान दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।